नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी फिर से अब वापसी के प्रयास में है और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जहां सरकार के हर विभाग को मथ रहे हैं, तो इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने 5 जिलाध्यक्षों को बदल दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दोहराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए शीर्ष नेतृत्व संगठन की भी सतत समीक्षा की जा रही है और इसके साथ ही राज्य संगठन का फोकस भी हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में है। ऐसे में प्रदेश संगठन ने हाल ही में सभी बूथ समितियों का सत्यापन कराया है और इसी तरह पार्टी ने प्रदेश में जिला और महानगरों में भी संगठन को परखा जा रहा है। पार्टी को जहां पर भी कुछ खटक रहा है वहां पर बदलाव में देरी नहीं की जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने 5 जिलाध्यक्षों को बदल दिया है बाराबंकी में। और बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए जहां पर भी जो कमी देखी जा रही है उसे पूरी तरह से सही करने में बीजेपी लगी हुई है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में बीजेपी अब पूरी ताकत अपनी झोंकती हुई नजर आ रही है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो भी नीतियां हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आम जनमानस के लिए इतना काम किया है, उसी काम को हमें जनता के बीच में लेकर के जाना है। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, मैं शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी से आगामी विधानसभा चुनाव में और हमारा जो स्नातक जो MLC का चुनाव आ रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी से सारे के सारे प्रत्याशी जीत के जाएंगे, ऐसी भगवान भोलेनाथ से मेरी मनोकामना है। और हमारे बाराबंकी जनपद का हर एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सभी कार्यकर्ताओं का, सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। चलिए, बाराबंकी से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या कुछ और अपडेट है? बीजेपी जो है बदलाव की जो तरफ बढ़ रही है और ऐसे में देरी नहीं करते हुए हर तरफ जहां पर भी खामियां दिख रही हैं उसे पूरी तरह से बदला जा रहा है। जी परुल, बिल्कुल बता दूं, जो है विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही हैं और सभी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। मौजूदा जो बीजेपी सरकार है वो भी किसी से पीछे नहीं है, मौजूदा सरकार है वो भी जहां जहां कुछ कमियां हैं या बदलाव की आवश्यकता है उन सभी चीजों को यहाँ बारीकी से परखा जा रहा है पार्टी के द्वारा। इसी के चलते बाराबंकी में जो पहले पूर्व जो है जिलाध्यक्ष थे अवधेश श्रीवास्तव, उनको हटाकर यहाँ शशांक कुशमेश हैं जो युवा हैं, एडवोकेट हैं, इनको जो यहाँ जिलाध्यक्ष बनाया गया है। फिलहाल ये भी आकार लगाए जा रहे हैं कि जो पुराने पूर्व जिलाध्यक्ष हैं उनका कद बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल वो भी सक्रिय कार्यकर्ता थे पार्टी के और वो भी काफी मेहनत करते थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है यहाँ जो 5 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, इससे जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी भी कोई कसर जो है कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है अपनी जीत दोहराने के लिए। इसी के चलते ये 5 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं। बिल्कुल रविंद्र, बीजेपी देखिए कोई कसर छोड़ना तो नहीं चाहती है और इसीलिए ये बदलाव जो है ये किया गया है। लेकिन ऐसे में क्या कुछ और उम्मीद है कि इसी तरह का बदलाव आगे भी किया जाएगा किसी और जिले में? जी बिल्कुल पारुल, क्योंकि अभी देखिए सबसे पहले 5 जिले के जिलाध्यक्ष बदले गए हैं और पार्टी लगातार मंथन कर रही है और पार्टी इतनी जल्दी भी निर्णय नहीं लेते हैं, क्योंकि सभी तरह का निर्णय लेना होता है, कहीं कोई कमी ना हो जाए, सही निर्णय गलत ना साबित हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां दमखम के साथ हैं, वो भी चुनाव मैदान में सारे जाति समीकरण हो या अन्य समीकरण हो सभी को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय ले रही है। इसी के चलते बीजेपी भी तुरंत फैसला नहीं ले रही है, पार्टी के शीर्ष नेता हैं जो बड़े नेता हैं उनसे बात की जाती है, जिला स्तर में जो छोटे नेता हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जरूर काफी सोच विचार कर ये फैसले लिए जा रहे हैं जिसके तहत 5 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं। आगे भी उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे भी बदले जाएंगे, जिलाध्यक्ष हो या और कार्यकर्ता हो या नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। बिल्कुल रविंद्र, यानी कि बीजेपी एक सत्ता में वापस आने के लिए प्रयास तो लगातार कर रही है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी इस समय बीजेपी सरकार के सामने है, क्योंकि एक तरफ तो देखिए किसान नाराज है, दूसरी तरफ किसी ना किसी भी तरह हर कोशिश कर सत्ता में वापस आना है, तो इसलिए चुनौती भी बहुत ज्यादा बड़ी है।
बिल्कुल पालू, बता दूं शशांक कुशमेर से जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने बात की कि किन मुद्दों पर आप जनता के बीच जाएंगे, आखिर क्या प्राथमिकताएं रहेंगे, क्योंकि पुराने जो जिलाध्यक्ष, जो पूर्व जिलाध्यक्ष जो हटाए गए हैं वो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, उनको हटाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या जो है आपकी उपलब्धियां रहेंगी, या मतलब क्या करेंगे जनता के लिए, कौन सी खास बातें रहेंगे? तो उन्होंने ये बताया है कि जो पार्टी द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो बीजेपी सरकार हो, पीएम मोदी की जो योजनाएं हो या सीएम योगी की योजनाएं हो, वो जो जनता के बीच लाई गई हैं, गरीब लोगों के जन कल्याण के लिए लाई गई हैं, उन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, उनको जागरूक करेंगे और ये सब लाभ बताएंगे। तो कुल मिलाकर पार्टी चुनाव नजदीक आ रहा है, कोई को कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जितनी योजनाएं लागू की गई हैं उन योजनाओं को लेकर ये पार्टी के लोग जो बता रहे हैं जनता के बीच जाएंगे और इसी को लेकर चुनावी जो है माहौल बनाया जाएगा। पारुल जी, चलिए रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में अब बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए बहुत ही कम समय अब विधानसभा चुनाव में बचा है और इसीलिए बीजेपी जो है पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और बाराबंकी में 5 जिलाध्यक्षों को बदल दिया है और बीजेपी जो है वो वापस सत्ता में काबिज होने के प्रयास जो है वो लगातार करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं। इसी के चलते अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि जहां तक मैनपुरी का प्रश्न है, ये समाजवादियों का गढ़ है, यहां की जनता ने नेताजी का और समाजवादी पार्टी का हमेशा समर्थन किया है, नेताजी के प्रति यहाँ की जनता का प्रेम और सम्मान हमेशा बना रहा है, इस क्षेत्र के विकास के लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार कोशिश की है और यहाँ पर विकास के कई काम भी हुए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि बीजेपी की दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की और एक दूसरी यूपी की। इस डबल इंजन की सरकार से हमें लगता है कि ड्राइवर भाग गए हैं या इस डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा और ना ही विकास करना चाहते हैं। इसी सरकार ने मंडी की व्यवस्था चौपट कर दी है और किसानों की आय को दुगनी करने का जो वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दुगनी हुई बल्कि डीजल पेट्रोल सहित जो भी जरूरत के सामान थे उनके रेट दुगने जरूर हुए हैं। तो ऐसे में बता दें मैनपुरी जो है अखिलेश यादव पहुंचे थे, उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बरेली में चंद्रपुर चंबुकिया के ग्रामीण आने वाले चुनाव में बीजेपी का विरोध करते हुए दिखे। ऐसे में ग्राम चंद्रपुर चंबुकिया के ग्रामीण ने गांव में एक बोर्ड लगाकर उस पर लिख दिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। दरअसल काफी समय से ग्रामीण इटोआ शरीफ नगर रोड से इमरता तक लिंक रोड की मांग करते आ रहे हैं, उनकी मांग को किसी ने नहीं सुना। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि सड़क ऊबर खाबड़ है, इससे आगे का रास्ता ही नहीं है जिससे उन्हें आने जाने में काफी परेशानी होती है। वहीं जब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम गांव में सत्यता जानने पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद जो भोजीपुरा विधानसभा के बीजेपी विधायक ना तो लोगों से मिले और ना ही उन्होंने बात की। ग्रामीणों ने बताया कि वो कई बार मामले की शिकायत बीजेपी के विधायक समेत कई जिम्मेदार लोगों से कर चुके हैं, अफसरों से कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी मांग पर गौर नहीं किया गया। तो ऐसे में बरेली की एक खबर है जहां पर रोड नहीं तो वोट नहीं का ग्रामीणों की तरफ से नारा दिया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से गांव में सड़क जो है वो नहीं है। ऐसे में कई जगह पर तो सड़कें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। अस्सी 90% लगातार पोलिंग जो होती थी इस गांव की बीजेपी को लेके होती थी। पहले ये बहाना हुआ करता था यहाँ के जो विधायक या मंत्री बनते थे कि हमारी सरकार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास निधि नहीं है, तो चलो ठीक है उस समय बात मान ली। अब तो भाई केंद्र में भी इनकी सरकार है, MP भी हमारे बीजेपी के हैं और यहाँ राज्य में भी इनकी सरकार है। आज नहीं, जब सरकार बनी थी 6 महीने हुए थे तब भी हम गए थे, तब भी हमसे विधायक जी ने कहा था कि आप 6 महीने कटने दो हमारे और हम रास्ता करा देंगे आपका। आज तक किसी नेता ने नहीं सुना, तब से हमने कही थी। जब विधायक जी के पास गए, विधायक जी आश्वासन देते हैं, काम कोई नहीं करता है।
सांसद जी के पास भी गए, वहाँ भी जो है आश्वासन मिला काम नहीं, और बाकी जो है देख इंतजार में मतलब जो है गांव वालों ने ये सोचा कि वोट लगाते हैं और बहिष्कार करते हैं। हाँ, अगर विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं डालेंगे, पूरा गांव पर नहीं डालेंगे। लिंक रोड से हमारा जुड़ना चाहिए गांव जो है, कितनी ख़राब रास्ता है आपने देखी है, ये देखो पहले निकलना दूभर होता है उस पर जो है। ये आइडिया कहाँ से आया आपको वोट लगा के, वोट नहीं तो रोड नहीं? जागरूक है आज के टाइम में, देख रहे हैं इंटरनेट का ज़माना है, सारे बच्चों में टैबलेट में मोबाइल है, सब कुछ देख रहे हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। गांधी जी ने कहा था आप आंदोलन करो अहिंसा का, उस रास्ते पर चल रहे हैं। उससे भी हमारे गांव में कभी कोई लाभ नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ है आज तक हमारे होश से पहले की। हम तो बहर बहुत छोटी उम्र है, बाकी हमसे जो बड़े जो हैं सारे लोग बताते हैं कभी भी कोई काम नहीं हुआ, और आज भी आप देख सकते हैं गाँव का हाल क्या है, बुरा हाल है इस गाँव में। जब रोड ये लगभग कितना लंबा होगा? बस यही 200-250 मीटर का रोड पड़ेगा, मुश्किल से 250 मीटर का रोड नहीं पड़ेगा, बस गांव तक पहुंच जाएगा। तो आप ये 2022 के चुनाव में वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं, पूरा गांव हमारा एकजुट है, बीजेपी को ही नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। आगामी 2022 के चुनाव का बहिष्कार करते हुए कुछ ग्रामीणों ने अपने गाँव में बोर्ड लगा दिए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। दरअसल ये पूरा मामला बरेली के दमखोदा ब्लॉक के एक गांव का है, जहां पर ग्रामीणों ने विकास कार्यों से परेशान होकर अपने गांव में बोर्ड लगा दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है कि 2022 में हम वोट नहीं देंगे। और बात करें जनप्रतिनिधि की, तो जनप्रतिनिधि उनके गाँव में वोट मांगने तो जाते हैं, लेकिन अभी तक गाँव वालों को कोई विकास नज़र वहाँ नहीं आया। 40 साल से परेशान इन गाँव वालों ने आज बीजेपी के बोर्ड लगाकर उस पर कट का निशान बना दिया और साफ तौर पर लिख दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब देखना ये होगा कि इस गांव का विकास कब तक होता है। बरेली से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन कुमार। कोरोना के दूसरी लहर में देश भर में तबाही मचाने के बाद अब सरकार संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है। ऐसे में केरल में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया है, जिसके बाद राज्य सरकार को कई प्रकार की पाबंदियां भी लागू करनी पड़ी। वहीं अब महाराष्ट्र में भी संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। उद्धव सरकार लोगों को चेता रही है ताकि कोरोना के मामलों में इजाफा नहीं हो सके। उधर मुंबई के मेयर ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, और ऐसे में महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने से पहले कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों से घर पर ही गणेश चतुर्थी मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुंबई मेयर होते हुए मैं तो मेरा घर मेरा बप्पा को फॉलो करने जा रही हूं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी और ना ही किसी को अपने भगवान के पास लाऊंगी। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में मेयर ने ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ नहीं रही है बल्कि यही है। तो ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जहां बार बार आशंका जताई जा रही थी, मुंबई की मेयर जो है वो ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, और इसीलिए आने वाले दिनों में मुंबई में जो है गणेश चतुर्थी का भी आने वाली है, उसको देखते हुए सतर्कता और ज्यादा बढ़ती जानी चाहिए। अभी जो मुंबई में आ रही है थर्ड वेव, इसके बारे में तो बातचीत चालू है। हर एक जो शहर है या केरल है, कोलकाता है या बाहर का जो प्रगत देश है, कंट्री है, उधर भी ये तीसरी चौथी चालू है। मुझे लगता है हमने सेकंड वेव में बहुत ही सिखाई अपने को मिली है, सीखने को मिला है कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है। तुरंत ऐसा रुग्ण मिल रहे थे बहुत, अभी हमने उसकी भी बढ़ोतरी की है, ऑक्सीजन बढ़ाया है, क्वाड बढ़ाई है, छोटे बच्चे का क्वारंटाइन ये सब बढ़ाए हैं, लेकिन वो तीसरी वेव आई भी तो उसको रुकाने के लिए हम सब मिल के काम करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। तो मेरा घर मेरा बप्पा ऐसा ये करके मैं खुद किधर भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि तीसरी वेव आ रही है, नहीं आ गई है। नागपुर में तो ऐलान किया गया है, तो मुझे लगता है हर एक ने खुद को संभालना चाहिए।
कोरोना की तीसरी लहर से आम जनता को सचेत करने और उन्हें बचाने के लिए आरएसएस ने अभी से अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जी हां, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब हर इलाके में आरोग्य मित्र बनाकर लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए जुट चुका है। ऐसे में सहारनपुर महानगर के सभी इलाकों में आरएसएस की तरफ से आरोग्य मित्र बनाकर उन्हें खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आरएसएस से जुड़े वरिष्ठ समाज सेवी राकेश वीर सिंह ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए हर गली मोहल्ले में आरोग्य मित्र की तैनाती की जा रही है। साथ ही इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि कैसे पहले खुद को कोरोना से बचाया जाए और उसके बाद अपने क्षेत्र के लोगों को कोरोना के नए खतरे के प्रति जागरूक किया जाए ताकि उनको तीसरी लहर से भी बचाया जा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती के द्वारा, क्योंकि थर्ड लहर आने की जैसे शंका है, उसके तहत हम आरोग्य मित्र बना रहे हैं और उनका प्रशिक्षण चल रहा है। हमारे महानगर में 12 नगर हैं, तो उन 12 नगर में जो आगे करीब 81 बस्तियां हैं, उन सबके 5-5 कार्यकर्ताओं को मिलाकर हम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। हर नगर में एक एक कार्यक्रम ये होना है, 12 के 12 कार्यक्रम, जो सभी बस्तियों के यहाँ कार्यकर्ता आ रहे हैं। तीसरी लहर से उन्हें हम लोगों को किस प्रकार से लड़ना है और किस प्रकार से अपने आप को बचाना है, क्योंकि जब ये लहर आएगी तो हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ से प्रशिक्षित हो जाएंगे तो वो गली गली में मिलेंगे, जिससे कि हमारा सबका काम आसान हो जाएगा। बाराबंकी से एक नाबालिग युवती से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। युवती के घर से शौच के लिए बाहर गई थी वो, और इसी दौरान वहां मौजूद गांव के एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया, और इतना ही नहीं, इसके बाद 4 और उसके साथियों ने उसके साथ गैंगरेप भी किया। बता दें, युवती के साथ परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई के लिए तहरीर दे दी है, जिसके बाद पुलिस ने अब मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू करती है। ये रिपोर्ट देखिए। घटना बाराबंकी जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र की है, जहां एक गांव की रहने वाली एक नाबालिग युवती ने गांव के ही एक व्यक्ति सहित 4 अन्य के ऊपर गैंगरेप का आरोप लगाया है। दरअसल युवती का कहना है कि वो शौच के लिए घर से बाहर गई थी, इसी दौरान वहां मौजूद गांव के एक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वहां मौजूद 4 बाकी साथियों के साथ गैंगरेप करवाया गया। वहीं दरिंदों के चुंगल से छूटी युवती जब घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई, तो मामले की जानकारी होते ही पीड़ित के परिजन थाने पहुंच गए और गांव के ही एक व्यक्ति सहित 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हमारे मम्मी पापा की तबीयत खराब थी, पापा घर पे थे और मम्मी हमारी मामा के यहाँ थी, वो आज ही हमारे अपने गांव में थी, चाचा उनको लेने चले गए थे। हमारे घर पे कोई नहीं था, हम अकेले थे, तो हम गए थे लेटरिन, वहाँ पे बुड्ढू आए, कोई लोग को बुलाए थे, हम अपना जो करें तो हमारे साथ में बलात्कार करें, उनके लोग के पास में हम हाथ पकड़ के ले गए रहा, वो नो कंजेस्ट कराई नहीं, सब कुछ कराई नहीं, तो हमारे घर पर कोई रहा नहीं था, हम अकेले लेटरिन गए थे। हम घर में दवा खा के सो गए थे, हमारी बेटी लेटरिन गई, वहाँ पे गुड्डू ने पकड़ के हाथ ले गया, बलात्कार किया, चारों जनों से बलात्कार करवाया। आप क्या चाह रहे हैं? गलत हुआ है तो गलत के साथ सजा दी जाए साहब उनको। कौन सा थाना लगता है? लोनी कटरा। थाने में शिकायत की? हाँ की। आज दिनांक 7/9/21 को जनपद बाराबंकी के थाना लोनी कटरा में ग्राम मोधुकापुरवा की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी अपने रिश्तेदार के साथ आई और उन्होंने इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके अनुसार दिनांक 5/9/21 को उनके गांव के पड़ोस के एक व्यक्ति और 4 अज्ञात व्यक्तियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस तहरीर के आधार पर उचित सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है, पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा जा चुका है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार पांचे ने बताया कि गैंगरेप की शिकायत मिली है और इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, लड़के को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है, वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वाली राबिया सैफी की मौत के बाद एटा के पीएसपी जिलाध्यक्ष शराफत हुसैन काले ने सैकड़ों लोगों के साथ जुलूस निकालकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट पर एसडीएम अबुल कलाम को एक ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ ही सैकड़ों की संख्या में मौजूद प्रसपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया। बता दें कि जुलूस में प्रसपा जिलाध्यक्ष शराफत हुसैन काले, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक और प्रकोष्ठ और कुरेशी जुल्फीकार बंटू भाई समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो बता दें राबिया हत्याकांड केस में यूपी के भी अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। इसी कड़ी में एटा में भी ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से प्रसपा कार्यकर्ताओं ने ये जो है प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। और राबिया हत्याकांड में ये विरोध प्रदर्शन जो है दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को जो हमारी बहन राबिया सैफी का जो डिफेंस में नौकरी करती थी, सिपाही पर कार्रवाई की, उनकी जो बेरहमी से हत्या करी हथियारों ने, बहुत बड़ी घटना है ये देखी जाए हमारे हिंदुस्तान में। हमारी बेटी की इतनी बेरहमी से घटना करी, शायद कोई भी राक्षस भी किसी जानवर की हत्या ऐसे नहीं करेगा। हमें कहने में शर्म आती है, कहां कहां चाकुओं से कूदा गया, हमें शर्म आती है और हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक की पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई, जिसके बाद युवती के प्रेमी ने युवती के पति के घर लाठी डंडे लेकर बदमाश भेजे, जिसके बाद युवती का पति और बुजुर्ग सास न्याय के लिए अब दर दर भटक रहे हैं। बता दें पति ने कहा कि उसकी पत्नी कभी भी उसकी और उसकी मां की हत्या करा सकती है। इसी के साथ ही एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें फोन पर पत्नी ने पति को जान से मारने की धमकी भी दी है। देर रात पीड़ित परिवार के घर पर युवती के प्रेमी ने हमला करने के लिए बदमाश भेजे थे, जिसके बाद पड़ोसियों से पीड़ित पति और बुजुर्ग मां की जान बचाई गई। वहीं जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस को देख बदमाश जो है वो मौके से फरार हो गए। अब पुलिस से पति और उसकी बुजुर्ग मां न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो आगरा का यह पूरा मामला है जहां पर प्रेमी के साथ युवती जो है वो भाग गई और उसके बाद अपने ही पति के घर पर उस युवती के जो प्रेमी है उसने बदमाश भेजे, जिसके बाद अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।